Good morning to all students. I am Akhil Jain, faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, Chittorgarh. Students, आज हम Utilization of Electrical Power and Traction EE302 की Unit Number 6 Train Movement and Energy Consumption start करने जा रहे हैं. इस unit में हम train के movement कि ट्रेन की स्पीड किस तरह से वेरी होती है जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है, और अगर हमें उसका रेजिस्टेंस पता चल जाए, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी कंजम्पशन होगा उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. तो एक बार हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं. द मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड देयर एनर्जी कंजम्पशन कैन बी मोस्ट कन्वीनियंटली स्टडीड बाय द means of the speed time and speed distance curves. The motion of any vehicle may be at constant speed or it may be consist of periodic acceleration and retardation. The speed time curve has a significant importance in traction, and if the friction resistance to the motion is known value, the energy required for the motion of the vehicle can be determined from it. Moreover, the curve gives the speed at various time instant after the start of run directly. तो इसके अंदर हमने यही समझा जो हमने आपको बताया था कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर पढ़नी है. एक तो मूवमेंट ऑफ ट्रेन और एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमें स्पीड टाइम कर्व पढ़ना है, स्पीड डिस्टेंस कर्व पढ़ना है, और उसके एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या कांस्टेंट स्पीड क्या क्या कब कब वेरी करती है इस बारे में पढ़ना है, और अगर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता हो तो एनर्जी कंजम्पशन भी हम निकाल सकते हैं. तो डायरेक्ट चलते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं. तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज, हमारे यहाँ पर जो ट्रेन मूवमेंट है वो तीन तरह से होता है. या तो मेन लाइन मूवमेंट, मतलब मेन लाइन सर्विसेज, अर्बन और सिटी सर्विसेज, और सब अर्बन सर्विसेज. मेन लाइन सर्विसेज में का एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि हमारी इंडियन रेलवेज. सब अर्बन सर्विसेज का एग्जांपल ले सकते हैं जो मुंबई लोकल है, लोकल जो मुंबई में जो लोकल चलती है उसका एग्जांपल ले सकते हैं. और अर्बन और सिटी सर्विसेज में जो हमारी मेट्रोज चलती हैं, क्योंकि उनकी स्पीड फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सब अर्बन सर्विसेज की, इसलिए हम मेट्रोज को अर्बन में डालेंगे, और लोकल जो मुंबई में लोकल चलती है उसको और कोलकाता में जो ट्राम चलते हैं उनको हम सब अर्बन सर्विसेज में डालेंगे. तो देख लेते हैं मेन लाइन सर्विसेज क्या हैं. मेन लाइन सर्विसेज में दो स्टॉप्स, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए. यहाँ पर जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है और बैलेंस होती है, कंटिन्यू उसी स्पीड पे हमारी ट्रेन रन करती है. यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है. दूसरा है अर्बन सर्विसेज, यहाँ पर दो स्टेशन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, 1 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड करती है, स्टार्ट और स्टॉप के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए वो बहुत जल्दी स्टार्ट और स्टॉप होनी चाहिए. तीसरी है सब अर्बन सर्विसेज, सब अर्बन सर्विसेज के अंदर जो डिस्टेंस है वो दो स्टेशन के बीच में कितनी होनी चाहिए, 1 से 8 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन किस पर डिपेंड करेगा, स्टार्ट और स्टॉप के ऊपर, बट यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है अर्बन सर्विसेज से. अब हम स्पीड टाइम कर्व देख लेते हैं इन सब का, जो भी हमने सर्विसेज पढ़ी हैं उनका स्पीड टाइम कर्व देख लेते हैं. जो स्पीड टाइम कर्व या स्पीड डिस्टेंस कर्व है उसके अंदर हमें जो स्पीड है वो हमेशा किस पे रहेगी, y एक्सिस पे, ऑर्डिनेट एक्सिस पे, और जो हमारी x एक्सिस है उस पे या तो टाइम रहेगा या फिर डिस्टेंस रहेगा. स्पीड टाइम कर्व फॉर मेन लाइन सर्विसेज, मेन लाइन सर्विसेज के अंदर ये क्वेश्चन बच्चों आपके ज़रूर आता है, तो इसको आप ज़रूर से अच्छे से पढ़ लें. अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एक्सप्लेन स्पीड टाइम कर्व ऑफ ट्रेन मूवमेंट, तो भी आपको
स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विसेज ही एक्सप्लेन करना है। तो इसको आप ढंग से पढ़ें, मैं आपको 5 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर। कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो अलग अलग पार्ट में डिपेंडिंग अपॉन कि कब किसकी स्पीड कैसी है, कब किस में एक्सेलरेशन हो रहा है, कब कब उसके अंदर हम ब्रेक लगा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है मेन लाइन सर्विसेज के स्पीड टाइम कर्व को। पहला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पीरियड, दूसरा है एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व, तीसरा है फ्री रन पीरियड, चौथा है कोस्टिंग पीरियड और पांचवा है ब्रेकिंग पीरियड। एक बार हम ग्राफ को भी देख लेते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, मतलब फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पीरियड। सेकंड T1 से T2 का जितना टाइम है वो है हमारा एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। तीसरा है फ्री रनिंग, यहाँ पर हमारा जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। कोस्टिंग में फ्रिक्शन के कारण जितना भी स्टॉपेज लगता है, जितनी भी रुकती है हमारी गाड़ी अपने आप ही फ्रिक्शन के कारण, उसको हम कोस्टिंग पीरियड कहते हैं। और पांचवा है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं T4 से T5 का टाइम, इस टाइम पे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पीरियड। तो पहला हमारा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रैक्शन मोटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, द कर्व OA रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट एक्सेलरेशन पीरियड, ये मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरिंग द इंस्टेंट 0 to T1, जो 0 से T1 का इंस्टेंट है, उसके अंदर करंट जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसके अंदर, जो मोटर है वो कांस्टेंट करंट लेगी और वोल्टेज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। वोल्टेज जब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो वो किस तरह से इंक्रीज होता है, जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हम लगाते हैं किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, हम स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लगाते हैं, उस वो इसका स्टार्टिंग मेथड है। तो उस रेजिस्टेंस को हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा और करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे रहने से जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन स्पीड कर्व, इसमें क्या होता है, ये हमारा पीरियड है T1 से T2 का, जिसमें वोल्टेज जो है वो तो कांस्टेंट रहता है और करंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी मोटर है, जो हमारी सीरीज़ मोटर है, DC सीरीज़ मोटर, उसकी आपने करेक्टरिस्टिक देखी होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक में अगर करंट की वैल्यू कम है तो स्पीड जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि करंट को धीरे धीरे डिक्रीज़ करते हैं और स्पीड को इंक्रीज़ करते जाते हैं। ऐसा जब T2 पे पहुंच जाएगा, मतलब जब टाइम T2 हो जाएगा, तो फाइनली करंट भी कांस्टेंट हो जाएगी और वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाएगा और जो हमारा ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से रन करना स्टार्ट कर देगा, जो हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, फ्री रन और कांस्टेंट स्पीड पीरियड। ये टाइम है T2 से T3 के बीच में, जब हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी और हमारी जो मोटर है वो कांस्टेंट पावर लेगी सप्लाई लाइन से। चौथा कोस्टिंग पीरियड, इस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी पावर सप्लाई है मोटर को जो मिल रही है उसको कट ऑफ कर देते हैं और जो स्पीड है वो अपने आप धीरे धीरे डिक्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन और विंडेज रेजिस्टेंस के कारण। जो हमारी स्पीड है वो अपने आप धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो एक लाइन पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रेन रन्स ड्यू टू द मूवमेंट एटेन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्पीड ड्यूरिंग कोस्टिंग पीरियड इज नोन एज कोस्टिंग रिटार्डेशन। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अब पांचवा जो है उसके अंदर हमने क्या किया है, ब्रेक अप्लाई किए हैं। जैसे ही T4 टाइम हो जाता है, जैसे ही हम D पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर दो स्टेशन के बीच में, जब हम स्टेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। और इस टाइम पे ब्रेक अप्लाई करने से हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है और वो किस पे आ जाती है, ज़ीरो पर आ जाती है। ये हम तब करते हैं जब हमारे डिस्टेंस बहुत कम हो
हमारे दूसरे स्टॉपेज से। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सब अर्बन के अंदर क्या डिफरेंस है। आप देख पा रहे हैं सब अर्बन का जो कर्व है उसके अंदर हमारा फ्री रन का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच में वो बहुत कम है, जिस कारण से स्पीड को कभी भी फ्री रन का मौका नहीं मिलता है। हमारी ट्रेन बिल्कुल फ्री रन पे कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलती है। पहले एक्सेलरेट होगी यहाँ 0 से T1 के बीच में, पहले एक्सेलरेट होगी, उसके बाद जैसे एक्सेलरेट मैक्सिमम स्पीड पे पहुँचेगी हम उसकी जो पावर सप्लाई उसको ऑफ कर देंगे, जिससे वो T1 से T2 के बीच में कोस्टिंग में नीचे की तरफ अपने आप फ्रिक्शन के कारण उसमें जितनी स्पीड रिड्यूस होगी वो होगी, और फाइनली हम फिर जब स्टेशन की नेक्स्ट स्टेशन के पास पहुंच जाएंगे तो ब्रेक अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपके एक तो एक्सेलरेशन के अंदर जो स्पीड ड्यू टू जिसके अंदर हम करंट की वैल्यू कम कर रहे थे वो पॉसिबिलिटी नहीं है और फ्री रन नहीं है। ये बात हमें समझ में आ गई। यहाँ पे तीन पीरियड हैं, एक्सेलरेशन, कोस्टिंग और रिटार्डेशन। इसके अंदर कोई भी फ्री रन पीरियड नहीं होता। फॉर दिस सर्विसेज देयर इज नो फ्री पीरियड, द कोस्टिंग पीरियड इज कंपैरेटिवली लॉन्गर सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टॉप इज मोर, द ब्रेकिंग और रिटार्डेशन पीरियड इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड इट रिक्वायर्स रिलेटिवली हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। टिपिकली एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन वैल्यूज लाइंग बिटवीन 1.5 and 4 km/h and 3 and 4 km/h रेस्पेक्टिवली। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो तो 1.5 से 4 के बीच में और जो रिटार्डेशन है वो 3 से 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड के बीच में वेरी करता है। अब थर्ड देख लेते हैं, स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन और सिटी सर्विसेज। इसके अंदर ये सब अर्बन के जैसा सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर जो ब्रेकिंग टाइम है वो ज़्यादा है। देख लीजिए, यहाँ देखिए ब्रेकिंग टाइम आपको कम दिख रहा है, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग टाइम ज़्यादा दिखेगा। इसके अंदर भी तीन ही पीरियड्स हैं, कौन कौन से, एक्सेलरेशन, कोस्टिंग और ब्रेकिंग। इस सर्विस में भी कितने नहीं हैं, देयर इज नो फ्री रन पीरियड। और डिस्टेंस कितना है दो के बीच में, 1 किलोमीटर है। इसके अंदर कोस्टिंग छोटी होती है और लॉन्गर होता है ब्रेकिंग पीरियड। एक्सेलरेशन 1.6 से 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के बीच में वेरी करता है। कोस्टिंग में जो रिटार्डेशन है वो 0.15 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के हिसाब से वेरी करता है और ब्रेकिंग के टाइम पे 3 से 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के बेसिस पे वो वेरी करता है। ये टेबल आप, इस टेबल को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें और इसको समझ लें, इसको लर्न कर लें आप, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। अब कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में हम समझ लेते हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है स्टार्ट से स्टॉप के बीच में जो टोटल डिस्टेंस और जो टोटल टाइम लगा है रन में, उन दोनों का रेशियो को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन टू स्टॉप टू द टोटल टाइम ऑफ रन। इसको क्या कहते हैं हम? एवरेज स्पीड कहते हैं। दूसरा, शेड्यूल्ड स्पीड। क्या होती है शेड्यूल्ड स्पीड? लिखा हुआ भी है फॉर्मूला। शेड्यूल्ड स्पीड वो स्पीड होती है जिसके अंदर टोटल डिस्टेंस तो दो स्टॉप के बीच में है ही, टाइम जो है उसके अंदर टोटल टाइम ऑफ रन के साथ हमने जितनी देर वो एक स्टेशन पे रुकी है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बिटवीन टू स्टॉप टू द टोटल टाइम ऑफ रन इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टॉप इज कॉल्ड शेड्यूल्ड स्पीड। और शेड्यूल्ड टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ रन और टाइम ऑफ स्टॉप, इसको हम शेड्यूल्ड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि शेड्यूल्ड स्पीड जो है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड स्पीड ऑफ टाइम, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे 5 फैक्टर्स हैं। पहले क्रेस्ट स्पीड, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन। तो क्रेस्ट स्पीड क्या होती है?
the maximum speed of the train, which affects the schedule speed for fixed acceleration, retardation, constant distance between the stop. If the crest speed is increases, the actual running time jo decrease ho jayega, and for the low crest speed of the train, it is running so the high crest speed of the train will increase its scheduled speed. Duration of stop, yahan bhi ye likha hai ki jitni zyada der hamari train kisi bhi station pe rukegi utni hi uski scheduled speed jo hogi wo kam ho jayegi. To agar hame scheduled speed badhani hai to duration stop ko kya karna padega, low karna padega. Acceleration, अगर किसी भी ट्रेन का एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी जो रनिंग टाइम है वो कम हो जाता है, तो इससे हमारी जो शेड्यूल स्पीड है वो बढ़ जाएगी. पॉइंट जो है हमारा ब्रेकिंग रिटार्डेशन, अगर हमें हमारी स्पीड को ब्रेक जल्दी कर लें, जल्दी ब्रेक लग जाए तो भी क्या होगा, हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी अगर हमारा ब्रेकिंग रिटार्डेशन कम होगा. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हमें अलग अलग कर्व्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे कर्व्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है.